She's very bubbly, chirpy, always funny, very positive, over-enthused, talkative. उसके लिए कोई सिचुएशन या कोई इंसान गलत नहीं है. अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो शिल वो ऐसे सोचेगी कि सामने वाले की कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा नहीं होगा. And at the end of the day, उनका मानना है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. रिश्तों को निभाने वाली अगर एक बार किसी को फ्रेंड बोल दिया देन शिल गो आउट ऑफ द वे जस्ट टू हेल्प दैट पर्सन. जैसे अगर आपने इस पर देखा कि फर्स्ट नाइट कोई नॉर्मली कोई लड़की होती तो शटर हो जाती कि हाउ कैन यू डू दैट टू मी. बट बीइंग बिंदु उसका सोचना है कि कुछ तो रीज़न है उसके पास भी, उसकी भी कोई मजबूरी होगी. सो इट्स ओके, वी कैन बी फ्रेंड्स. और वो जेन्यूनली ये बोल रही हो निभाती भी है कि अब से तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो ना तो मैं तो फ्रेंडशिप निभाऊँ. और एस वो गुजरात से है तो उसका ये डोनेशन आता रहेगा बीच बीच में. वो साफ हिंदी नहीं बोलती, वो जब गुजराती लोग हैं ना ऐसे हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं ना तो वो एक्सेंट आ ही जाता है. सो या एंड द गुड पार्ट वॉज जब बिंदु का कैरेक्टर मुझे बताया गया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इन रियल लाइफ आई एम लाइक दैट ओनली. आई ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग, आई टॉक अ लॉट. इवन आई एम ओवर, आई नॉट से इतनी पॉजिटिव बट इवन आई एम पॉजिटिव ओवर एंथूज. तो मुझे लगा कि ये रोल करना ईजी होगा क्योंकि गुजराती को ही गुजराती कैरेक्टर दिया है. बट जैसे देखते हो कि बिंदु बहुत बोलती है और थ्रू आउट शी इज स्माइलिंग. गुजराती एक्सेंट लाने एट द सेम टाइम इट शुड नॉट लुक कि ये ओवर हो रहा है या लाउड एक्टिंग हो रही है. नेचुरली बींग गुजराती एक सटल करना और कैरेक्टर में रहना. सो या इट वॉज फन, मज़ा आता ये शूट करने में. और कहीं पे ये मैसेज दे रही है कि इट्स फाइन, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के जाने से या कुछ भी लाइफ में इश्यू होने से लाइफ थम नहीं जाती. जस्ट पॉजिटिवली उसको फेस करो, कोई ना कोई तो सोल्यूशन आ ही जाएगा. सो या दैट्स द कैरेक्टर ऑफ बिंदु देसाई. सबसे पहली बात, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं पटना की लड़की प्ले कर रही हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए लगता है मैंने 6 साल वेट किया क्योंकि मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि मैं बिहार की लड़की या उधर की लैंग्वेज और टोन में बात करूँ शो में. थैंक्स टू सोनी एंड ऑप्टिमिस्टिक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. प्रार्थना की जहाँ तक मैं बात करूँ, सॉरी मैं थोड़ी सी आज अंडर द वेदर हूँ तो प्लीज़ माफ करिएगा बीच में खांसी आए. प्रार्थना जो नॉर्थ इंडिया से है, पटना से है, मैं बहुत ज़्यादा उससे रिलेट कर सकती हूँ. और मुझे लगता है सिर्फ स्मॉल टाउन लड़कियाँ ही नहीं, इंडिया की कोई भी लड़की रिलेट कर सकती है क्योंकि उसके कंधे पे घर की पूरी जिम्मेदारी है. घर में सिर्फ माँ बाप है, छोटा भाई है तो घर का सारा खर्चा चलाना, सब कुछ करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है. ऐसे में उसने अपने बारे में कभी सोचा नहीं. और अगर शायद मैं भी इस जगह पे होती और मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती तो मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती. सेम विद प्रार्थना, वो अपने बारे में नहीं सोचती है. धीरे धीरे कब 18 से 30 की उम्र पर पहुंच गई उसको खुद भी पता नहीं चला. लेकिन ऑब्वियसली हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी हो, उसका घर बसे, उसका पति, उसके बच्चे हों, तो वो चीज़ मन में है उसकी. लेकिन कभी बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा. प्रार्थना बहुत सीरियस और कहते हैं ना प्रैक्टिकल हो गई, बहुत मच्योर हो गई. कम उम्र में ही मच्योरिटी आ गई
बहुत सारे रीजंस हैं, मैं इस पर बात करना भी चाहती थी कि हमारी तरफ मैंने देखा है खुद बचपन से लेकर आज तक कि अगर हमारे यहाँ पर शादियाँ बहुत कम एज में हो जाती हैं। मेरी बहनों की शादियाँ भी 20-22 साल में होती, एक बार लड़की की उम्र 24 से ऊपर पहुँचती है तो रिलेटिव्स खड़े हो जाते हैं, सोसाइटी खड़ी हो जाती है और बोलना भी शुरू कर देती है कि अच्छा बेटी का शादी नहीं हुआ है, जरूर कोई प्रॉब्लम होगा बच्ची, मतलब आपके मुँह पर कुछ पीछे कुछ। तो ये सारी चीज़ें सुन सुन कर जो प्रार्थना के साथ हुई है या जो हर आम लड़की के साथ भी होती है, शादी से मेन मुद्दा, अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो लड़की में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें एक लड़की झेलती है। तो ये इन सारी चीज़ों से भी प्रार्थना थोड़ी लाइफ में ज़्यादा सीरियस हो गई है, उसने अपने कहते हैं ना आस पास उन लोगों को आने नहीं देती, नज़र खुद में ज़्यादा रहती है। लेकिन प्यार बहुत सैक्रीफाइस है, जैसे आपने देखा भी कि अपने आप को ही सैक्रीफाइस कर दिया फैमिली के लिए, कोई शादी की बात करता है तो इरिटेशन होता है क्योंकि उसको पता है वो चीज़ नहीं होने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये उम्मीद है कि चमत्कार कभी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होती। तो ये कैरेक्टर है मेरा शो में। अच्छी बात ये है कि इस शो में मुझे मेरा टोन और सब कुछ लैंग्वेज करने का मौका दिया गया है, जैसे ये मराठी बोल रही हैं, ये गुजराती में बात कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है शो में जो बहुत कम शोज में मिलता है। हम कहने के लिए सिर्फ मराठी गुजराती या बिहारी नहीं बोल रहे, रियली में वो फ्लेवर लोगों को मिलेगा। फिर हम इस जर्नी में, हम तीनों की जो जर्नी अभी दिखाई जाएगी शो में, हम कैसे दोस्त बनते हैं, कैसे हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो हमें एडवाइस देते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, ये शो इस बारे में इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि वो शो लोगों को पसंद आ रहा था। अब हर शो हर कोई बैठ कर देखे ये तो हम गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन वो शो इम्पैक्टफुल जरूर। और साथ ही जैसे कि हम तीनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें अगर कोई लड़की सपोज मराठी है और एक कोई सोलो लीड है लड़की और उसमें हम किसी को भी कास्ट कर लें लेकिन वो टेस्ट ना आए, वो बात ना आए, तो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कास्टिंग की गई है। अब सिर्फ हम तीनों की कास्टिंग नहीं, इसमें और भी जो कैरेक्टर्स प्ले करेंगे अगर आप उनको भी देखेंगे, सबकी कास्टिंग बहुत ही अच्छे से और एकदम कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये सब मद्देनजर रखते हुए देखेंगे। आप लोग को क्या खास बात लगा स्क्रिप्ट में खास तौर पे कि हमें ये शो करना ही है? बेस्ट पार्ट इज कि कैरेक्टर्स काल्पनिक नहीं है, आप दे आर गर्ल नेक्स्ट डोर, आप रिलेट कर पाओगे कहीं ना कहीं, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मेघना तो है, मेघना देखिए बिंदु जैसी भी बहुत सारी लड़कियाँ होती है कि प्रार्थना जैसी भी होती है। तो जब हमें ऑफर किया गया आई वॉज एक्साइटेड दैट आई एम प्लेइंग समथिंग वेरी रियल जो मैं खुद हूँ, मुझे कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं है इसमें, कोई सास का ड्रामा नहीं है, कोई अकल्पनीय चीज़ नहीं है कि कहीं से नागिन आ गई या कुछ मक्खी आ गई या डायन आ गई, इट्स वेरी डे टू डे फ्रेश सब्जेक्ट जिससे आप सब भी कनेक्ट कर पाओगे। और मे बी आई नॉट से कि हमें मैसेज देना या इंस्पायर करना है, बट कहीं पे एंटरटेनमेंट के साथ एक हल्का फुल्का डे टू डे लाइफ का तड़का मिल जा रहा है, सो फ्रेशनेस है ये सब्जेक्ट में, विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। Let's not comment on it. But ये सब बन रहे हैं आजकल, ये सब subjects. I'll not take the name. But ये सब subjects. Come on, we all know about it. Actually, we know. Don't do that to us. So, but ये सब subjects बन रहे हैं, उसमें हम थोड़ा freshness ला रहे हैं कि अब audience को भी लगे कि हाँ चलो कुछ नया मिला हमें जिससे हम connect कर पाए। अगर आपको नागिन जैसे सीरियल करने को मिलेगा तो आप करेंगे क्या ना करेंगे? नहीं अगर एकता जी पर्सनली अप्रोच करे तो नागिन शो लीड एक्टिंग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एकता जी ने बहुत कमाल की फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शोर इन द सिटी, जिसमें मैंने काम किया। एकता जी सिर्फ ये इस तरह का काम नहीं करती, वो बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी का काम करती है, तो ये नहीं मैं किसी और शो में काम करूंगी। What is the reason behind of that? See, I'll tell you why. The reason is similar to the reason why I have not done television for all these years. This is my first Hindi show. Yeah. And I have been doing work for the past 15 years. But I've never done Hindi television is because mujhe Hindi television se hamesha dar laga. Wo itna reality se dur hota hai ki mujhe nahi lagta tha ye main kar paungi. Again, ise dekhne mein maza aata hai. जब मैं घर पे बैठी होती हूँ और मैं चैनल फ्लिप करती हूँ तो ऐसा कोई शो अगर मुझे दिख जाए तो उसका ड्रामा उसके कॉस्ट्यूम मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मुझे करने में मज़ा नहीं आएगा ये मैं जानती थी पहले से। तो मैं
मतलब टीवी का नाम सुन के थोड़ा मतलब नहीं करेंगे नहीं करेंगे कहीं पे अगर शुरुआत अच्छी होती है और फिर से वो डाउनवर्ड हिल में आ जाते हैं कहीं पे भी अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको खुद को कन्विंस्ड होना चाहिए कि अच्छा ये होता है जब बिंदु का कैरेक्टर भी मुझे बताया गया तो विपुल जी ने सर ने हमें पूरा ऐसे समझा कि नहीं ये कैरेक्टर रियल में होते हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड यू कैन डू दैट देन वो फेक लगता है कि ठीक है चलो कर लेते हैं क्या आपके सबके घर है हम लोग भी लेडीज स्पेशल में ट्रैवल करते हैं तो उसमें कुछ हैपनिंग लोग भी होते हैं जी जी बिना दुख वाले जी मस्ती मजाक वाले तो आप भी जो है ना अच्छा एक ही है लेकिन ये तो दुखी है दुखी नहीं होने जरा भी बिल्कुल दुखी नहीं है इनफैक्ट इनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज है जो आगे आपको एपिसोड में देखने मिलेंगी एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम दोनों में से कोई एक इनसे कहता है कि तू पागल है मतलब तेरे पति ने तुझे ये बता दिया है फिर भी तू उसके साथ रह रही है तो छोड़ के नहीं देती तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती है क्योंकि जिस दिन से मैंने उनको ये बताया था उस दिन से वो करवटें बदलता है मैं शांति से सोती हूँ मेरे दिमाग में टेंशन नहीं है क्योंकि गिल्ट उनके पास है तो ये ऐसी है और ये सच में ऐसी खुशहाल इंसान भी है तो आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया है पर्सनली मैंने बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो याद रह गया बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मेरे ट्रेन के तो इनफैक्ट मैं इतना ट्रेन में ट्रैवल करती थी मैं किसी भी स्टेशन के बाहर से आपको एग्जैक्टली मिडिल लेडीज कहाँ आएगा और फर्स्ट क्लास कहाँ आएगा ये बाहर से बता सकती थी कि कौन से ब्रिज से आप कहाँ पहुँचोगे इतना मुझे आई न्यू इट एट द बैक ऑफ माय हैंड बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी रेगुलर टाइम पे ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाती थी तो वो एक 9:37 की लोकल या 10:45 की लोकल वो वैसा कुछ नहीं था मेरी मॉम का वैसा एक ग्रुप था क्योंकि वो रोज ऑफिस जाने के लिए 9:37 की लोकल लेती थी तो उनका एक लोकल का ग्रुप था जिसमें बकायदा बर्थडे मनाए जाते थे गोल भराई होती थी एक बार ट्रेन में डेकोरेशन करके उन्होंने कुछ किसी का कुछ बना बना लिया फिर आते वक्त वापस धनिया ले आते थे सबको थोड़ा थोड़ा देते थे सब साफ कर लेते थे फिर बटोर के लिए मेरी मॉम ने ये सारा किया है तो मैं उनके ट्रेन फ्रेंड्स के ग्रुप को जानती हूँ उनके साथ मैंने काफ़ी हैंग आउट भी किया है तो इसको मैंने बहुत करीबी से देखा है अनफॉर्चुनेटली मेरी ऐसी फ्रेंड्स नहीं बन पाई लेकिन ट्रेन में ट्रैवल बहुत किया है अभी बन गई ना अभी मतलब आप गुनगुनाते भी रहोगी आपका कैरेक्टर सिंगिंग सिंगिंग फाइनली मैम इसकी शूटिंग के ऑन लोकेशन में ट्रेन्स में भी होगी जो लोकल ट्रेन्स है अगर पॉसिबल है नहीं ये ट्रेन तो है ही है मैम इसके अलावा अगर स्टेशन पे जरूरत पड़े हमारे पास हमारी खुद की ट्रेन है हाँ, भी है हाँ, तो हम हमारे हिसाब से रुकती है और चलती है हमारे हिसाब से रुकती है हमारे हिसाब से चलती है उसमें मोटरमैन नहीं है मोटरमैन भी है हमारी ट्रेन एक्चुअली मूव करती है अच्छा इट्स नॉट जस्ट अ स्टडी सेट इट मूव्स इट्स अ मूवेबल ट्रेन मतलब यू कैन स्टार्ट इट लाइक अ डीजल कार इट्स अ प्रॉपर ट्रैक हमारी ट्रेन चलती है हां हमारी ट्रेन सब स्पेशल ये स्पेशल पर मैं आपको सच बताऊं इस शो से ना लोगों का वो थॉट जरूर चेंज होगा मैं नहीं कहती सारी औरतें ऐसी हैं क्योंकि अब मैं बैठूंगी तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास जगह मैं बोलूंगी कि आप आकर के बगल में बैठो जगह बनाया भी जा सकता है अगर तीन लोग बैठे हैं चार लोग की जगह में तो वी कैन क्रिएट जगह ना तो वो चीज़ की जा सकती है लेकिन इस शो से जिस तरीके की फ्रेंडशिप और ये सारी चीज़ें जो लोग दिखाएंगे इससे भी तो एक लोगों को मैसेज जाएगा और मुझे लगता है कि कंपटीशन करने से औरत औरत की कंपटीशन से अच्छा है कि हम सीरियसली सहेलियां बने और एक दूसरे की को साथ दें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होगा सोसाइटी ज़्यादा अच्छी एक और रीज़न है जब ये बताया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज कंपार्टमेंट कम दिए जाते हैं जेंट्स कंपार्टमेंट की कंपेरिजन में सेकेंड थिंग अगर आप महिलाओं को देखो तो वो सुबह घर का खाना बना के बच्चों को रेडी करके ट्रेन में जाती है पूरा दिन काम करती है वापस ट्रेन में से जाती है रात का डिनर बनाती है सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आज उन्होंने क्या बनाया खाने में अच्छा हाउ डिफरेंट इज गिरिजा फ्रॉम मेघना शी इज एक्चुअली नॉट वेरी डिफरेंट तो गिरिजा भी थोड़ी सी ऐसी है नेवर से नेवर वाली सिर्फ मेघना कहती है नेवर से नकोरे बाबा तो हाँ मैं भी थोड़ी ऐसी हूँ और नेवर से नेवर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा भगवान भरोसे
सब कुछ अच्छा होगा, मैं मेहनत करके अच्छा करूंगी. तो मैं भी थोड़ी वैसी हूँ, थोड़ी नहीं काफी वैसी ही. तो मुझे बड़ा मजा आता है ये जो एक फाइटिंग स्पिरिट है जो मेरे अंदर है ही, जो मेघना के अंदर भी है. तो मैं काफी रिलेट कर सकती हूँ. मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी परिवार है, मैं साथ रहती हूँ सबके. सो सुबह जब कबीर को मेरे बेटे को रेडी करना होता है, जो मेरा सारा मतलब पूरे घर में जो मेरा संचार होता है वैसा ही है इधर भी. मेघना इज नेवर स्टडी, यू विल नेवर सी मेघना स्टडी इन वन प्लेस एंड टॉकिंग. वो एक जगह पर कुछ पोहे बना रही है, कुछ चाय छान रही है, कुछ वो यूनिफॉर्म का कुछ कर रही है. मेघना इज ऑल ओवर द प्लेस. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इवन आई एम व्हेन आई एम एट होम. So, very, very similar, very similar. Because it looks, the role is perfectly written for you. Thank you, I'm glad it's that way. Thank you. You got sure, the skin into the skin of the character. Thank you so much. मैम कोई प्रेशर था इसके पहले, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जैसे कि आप लोगों ने कहा कि अच्छा गया था, भले ही जल्दी बंद हो गया था बात में, तो कोई प्रेशर था करते वक्त तो ये शो? प्रेशर तो नहीं लगता मुझे, जिम्मेदारी लगती है कि अच्छा, वो तो किसी भी काम की होती है कि अच्छा करे और अपना बेस्ट दे. तो आई डोंट थिंक हमें किसी को भी कभी प्रेशर महसूस हुआ है. बट वी वॉल बी वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट वी वर चोजन फॉर दिस. एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंटली ऐसा है कि इस शो में हम तीनों फ्रेंड्स हैं, बनेंगे अब धीरे धीरे करते हुए. और हमारे प्रोमो शूट के दिन हम पहली बार जब मिली तो हम कुछ सब मिलाकर 10 सेकंड में बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी. इट वॉज लाइक अ क्लिक. और सब लोग ये कहते हैं कि हमारा बहुत मतलब हमारी बहुत कमराडरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है असलियत में. तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है. हम जेन्युइनली वी क्लिक्ड एंड वी आर वेरी वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर. सो तीनों के कॉम्बिनेशन जो डेज होते हैं, हम लोग उसकी राह देख रहे होते हैं कि तीनों साथ में कब शूट करेंगे, तो टिफिन शेयर करेंगे और गपशप करेंगे. और जब बिंदु स्पेशली हमारे साथ शूट करती हैं, तो मैं और छवि हम बड़ा रेस्ट करते हैं, बिकॉज सारे डायलॉग्स बिंदु के ही होते हैं. बिंदु बहुत बोलती है, तो हमारे हिस्से का भी सारा बिंदु बोल लेती है. तो इसीलिए हम वी आर वेरी हैप्पी व्हेन वी आर थ्री ऑफ अस, बिकॉज आई रियली हैव टू जस्ट रेस्ट. गुजराती एक्सेंट में बोलने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कि मतलब, बिकॉज इन रियल लाइफ आई डोंट थिंक यू पुट ऑन दैट काइंड ऑफ अहमदाबाद. हाँ, दैट इज आई एम सेइंग. घर पे गुजराती में ही बात करते हैं, मेरी गुजराती बहुत प्योर है, हमारा एक्सेंट नहीं आता, एकदम नॉर्मल गुजराती. हाँ, नॉर्मली हिंदी इंग्लिश नॉर्मल आ जाती है. हाँ, बीइंग अ यंगस्टर हमारी एक हैबिट होती है कि हम जितनी भी लैंग्वेज आती है वो मिक्स करके ही बोलते हैं. एक मेरा पूरा कोई भी सेंटेंस एक लैंग्वेज में नहीं आता इन रियल लाइफ, मिक्स करते. ओके सॉरी, शी इज वेरी गुड इन हिंदी. मतलब क्या यंगस्टर्स, मतलब मैं यंगस्टर तो मुझे समझ काउंट नहीं क्या मैंने, हम ऐसा नहीं करते. सो बट लकीली आई डिड फोर मूवीज अहमदाबाद राजकोट में. तो जब मैं गुजराती मूवीज कर रही थी, मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया कि अगर मैं जैसे पता चलेगा ना ये मुंबई से, तो जबरदस्ती हिंदी में ही बात करनी. तो अगर मैं नॉर्मली एड्रेस भी पूछूंगी कि एड्रेस का, तो आगे जाके डाबे वर जाने. सो आधा उन्होंने गुजराती ही बोला है विद गुजराती एक्सेंट ओनली. एंड देयर इज नथिंग टू अशेम्ड अबाउट, यू शुड बी प्राउड कि कहीं ना कहीं वो आ ही जा रहा है, लहजा आ रहा है. सो वहाँ से मैंने वो जब हमारे वर्कशॉप हो रहे थे, मैंने विपुल सर को पूछा कि सर ये एक्सेंट ना हो गया तो सर परफेक्ट. बट जब हम बोल रहे हैं तभी बकायदा तकलीफ होती है. शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ढाई ढाई तीन तीन पेजेस के डायलॉग है, ओवर एंड थ्रू. तो एट द एंड ऑफ द डे थक जाते हैं, एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, बट एट द सेम टाइम मजा आता है. अब तक जो मैंने स्क्रिप्ट की थी वो कैसे ना पढ़ के बोल के जाओ. अब ऐसा होता है कि पढ़ो, अच्छा यहाँ पे मैं गुजराती वर्ड्स कौन से डाल सकती हूँ जो लोगों को भी समझ आए, हिंदी भाषा को ऐसा ना लगना चाहिए कि ये क्या बोल के आए, गुजराती एक्सेंट कैसा डालूँ. सो यहाँ पे एफर्ट्स थोड़े ज्यादा है. It's fun. At the end of the day, work satisfaction मिलता है. अच्छा, you are a singer also, no? Yeah. नहीं, I'm not asking you to sing. इसमें